सो हे गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको, आज के वीडियो में मिलाऊंगा मेरे दादा दादी से, जो कि मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ और वो लोग अब जाने वाले हैं आज। तो ये देखो, यहाँ पे दादा बैठे हुए हैं छत पे, धूप सेक रहे हैं, और इधर दादी बैठी हुई है, दादी बैठ के सेब खा रही है, इधर सेब का मजा ले रही है दादी, और यहाँ पे दादा बैठे हुए हैं। और दादा ने इस बार, दादा को एक सरप्राइज मिला है, है दादा? दादा को इस बार एक सरप्राइज मिला है। क्या मिला है दादा? फोन मिला मुझे, दिखाओ जरा सबको। तो ये देख सकते हो, दादा को इस बार फोन सरप्राइज में मिला है। तो ये देख सकते हो दादा का न्यू फोन, ये दादा को नया फोन मिला है, मतलब कि दादा ने खुद अपने नया फोन लिया है इस बार। ये है वीवो कंपनी का फोन है दादा के पास। ये दादा यूं करके पकड़ो एक बार, ये देखो दादा का न्यू, दादा को नया फोन मिला है। दादा कैसा लग रहा है आपको ये नया फोन लेके? ठीक ही लग रहा है इसमें। अब तो रख दो नीचे, अब हो गया सब कुछ है इसमें, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी सीख रहा हूँ, जहाँ मुझे कुछ मुश्किल आ रही तो बच्चे मुझे बता दे रहे हैं। दादा ने इसमें सब कुछ है, वैसे मनोरंजन के लिए अच्छा है, और किसी की अगर शक्ल देखनी है तो उसके लिए भी अच्छा ही है, मतलब कुल मिला के अच्छा ही है, अच्छा ही अच्छा है। पहले दादा आप जब फोन चलाते थे और पहले आपका फोन ही नहीं था, और अब मैं आपको क्या फर्क लगता है इसमें और उसमें? तो बहुत फर्क है। इसमें तो ऐसा है कि उसमें और बात थी और इसमें और बात है, ये नई टेक्नोलॉजी का है। तो दादा पहले टीवी देखा करते थे खूब, उधर समझने के फेर थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दादा के मतलब एज का हो या वो दादा की एज, दादा की उम्र कम से कम होगी अभी। दादा कितनी है आपकी? 80 हो गई। 80 है, 80 से ऊपर ही हो चुकी है दादा की। लेकिन अब दादा ने फ़ोन लिया है, क्योंकि दादा को पहले से नहीं पता था फ़ोन उनके बारे में, लेकिन अब दादा ने फ़ोन लिया है। और मैंने दादा को, मैंने क्या सब ने यूँ बोला कि भाई फ़ोन ले लो फ़ोन ले लो, लेकिन दादा ले नहीं रहे थे। अब दादा ने लिया, दादा कह रहे तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया फ़ोन फ़ोन के बारे में। हाँ, इन बच्चों के ये कहने से लिया हमने, क्योंकि अगर पहले ले रहे अब समझ नहीं आता हमने क्या करना है बेकार। ठीक है, कहीं पर रखने की भी दिक्कत है, वैसे कहीं खोखा जाए तो इतना महंगा है, उसको तो जान भी रख दो। हाँ, दादा के पास ना नोकिया का, पैसे ही नहीं, दादा के पास नोकिया का फोन था अभी तक। हाँ। तो दादा नोकिया का फोन तो कहीं भी गुम कर लो, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। कोई बात, इसको भी संभाल लेंगे, लेकिन सब कुल मिला के सही है, टाइम पास करने के, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, आप वीडियो कॉल में बात नहीं हो पाती, कहीं भी बात कर सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं, टाइम पास करने के लिए। जैसे मुझे कि होशियारी देख लेता हूँ, इसमें क्रिकेट मैच देख लेता हूँ, सब कुछ दादा को गढ़वाली प्रोग्राम देख लेते हैं, अपने उत्तराखंड का सब कुछ गाँव देख, अपने गांव को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा गांव काफी दूर है, वहाँ कभी कभी जाते हैं, लेकिन वीडियो के जरिए आप देख सकते हो। अब वीडियो बना देते हैं, वहाँ रोज ही देखते रहते हैं। अब तो ऐसा है कि हमारे यहाँ के दो लड़के हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, तो हम रोज जब भी मर्जी आते हैं अपने घर गाँव देख लेते हैं। वैसे तो जाया नहीं जाता क्योंकि काफी नीचे चढ़ाई है, तो कुल मिला के ठीक ही ठीक है। अब दादा ने न्यू फोन ले लिया, ये वाला फ़ोन दादा का, और ये फ़ोन लेने के बाद दादा अब टोटली बिजी हो चुके हैं। दादा अब इसी में लगे रहते हैं, इस फ़ोन में। पहले दादा हमें बोलते थे कि कितना फ़ोन चलाते तुम लोग, और अब दादा खुद चलाते हैं खूब फ़ोन, है दादा? क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, जब समझ आ रही है तो देख रहे हैं, अगर समझ नहीं आती तो क्यों चलाते। लेकिन दादा का माइंड शुरू से ही शार्प था, तो दादा आराम से सीख गए। दादा ना इसको दिक्कत नहीं आई दादा को समझने में, इसको जो नहीं है, जो नहीं अभी जानते तो उसको भी जान लेंगे, ऐसे बात नहीं, उसको भी देख। दादा को मतलब मेन फोन मिलाना, वीडियो कॉल करना और अपना मतलब वीडियो देखना किसी की, वो आ गया। अब आजकल तो ऐसा है ना कि इस चीज को बच्चे बहुत जानते हैं, जो हमारी उम्र है वो तो जानते नहीं है। अब कोई भी कहीं भी कोई बात हो जाएगी, हमें नहीं आएगा, तो हम यहाँ भी आते हैं तो बच्चों के साथ रहते हैं तो समझा देंगे हमें, और उसके बाद हम जो है कोटद्वार में रहते हैं भाबर में, तो वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में सब बच्चे हैं तो सब जानते हैं, बल्कि हर एक बच्चे के पास है, किसी घर में तीन है, किसी घर में चार है, आजकल तो ऐसा ही है। आजकल तो वो पुराने वालों को कोई पूछता भी नहीं है, अमीर जैसे पूछते हैं। तो कुल मिला के सही है, आप नया जमाना आ गया है। तो दादा आप अगर आपके उम्र के और भी लोग अगर देख रहे हो, उनको वो भी चाहते हैं, उनके पास भी है किसी नहीं, नहीं। जैसे लोग का क्या बोलते हैं कि आपकी उम्र के ही हैं, और लोग सोचते हैं कि क्या फोन लेना छोड़ो,
तो उनको उनको क्या बोलना चाहोगे, उनको क्या प्रोत्साहन देना चाहोगे? उनको ये तो भाई अपनी अपनी उसकी बात है, अगर पास ठीक है भाई इतना खर्चा आपको सुविधा लगी नहीं लगी? हाँ इसमें सुविधा है, ऐसी बात नहीं, देखने की है, देखनी है भाई इसमें पैसा लगता है, लेकिन ऐसा है कि वो पैसा काम आ जाता है, क्योंकि इसमें मनोरंजन का भी है, सब कुछ ही है, साधन है। तो अगर जिसके पास पैसा है उसका तो कर लो, कोई ऐसी बात है जो हमारी उम्र के देख लो, दो चार दिन में सिखाई हो जाता है, ऐसी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो नहीं आता तो ये तो सभी बता देते हैं आजकल बच्चे, हाँ बस थोड़ा बहुत समझ लिखावा पढ़ना आना चाहिए बस। फिर देखो हम लोग जो है इस समय कौन सा 24 घंटा हमने देख रहा है, दो चार दिन लगभग 100 के हम देख ले रहे हैं, उसके बाद ऐसे पड़े रहे भाई कभी कभी देखेंगे। ठीक है कुल मिला के ले लो, जिसने भी लेना है सब सही है। आजकल ऐसी बात नहीं है, सब ने ले रखा है, ऐसी बात है, हमारे उम्र को बहुत ने ले रखा है। वो तो हमने बहुत देर में सोचा और सही सोचा, बस यही है। गांव में भी लोगों के पास, सबके पास है, जो लड़के हैं सभी ना, आजकल का कुछ जमाना ही ऐसा आ जाता है, जबकि कोई हवा आती है तो वो सभी जगह आती है। पहले देखो ब्याह शादी होती थी तो वहाँ वो लगाते थे, बिल्कुल वो लगाते थे, पर कैमरा वाला हाँ वो लगाते थे, उसका जमाना भी ख़त्म हो गया। अब यही होगा कि ये हो गया तो अब तो बड़े बड़े अच्छे बहुत अच्छा तो हो गया भाई, तरक्की होगी सबका। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं लेकिन दादा और नहीं रहते यहाँ पे, तो दादा क्यों नहीं रहते यहाँ पे आप? भाई ये है, यहाँ नहीं रहता कि यहाँ हमारा ये तो साथ के कोई नहीं है, फिर यहाँ पर मैं उठने बैठने की बड़ी परेशानी हो जाती है। यहाँ पर जो है 6-4, 5-5, 6 मंजिल मकान बन गए हैं, धूप आती नहीं मकानों में, अगर किसी मकान 6 मंजिल है तो तभी धूप आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। और 6 मंजिल फिर हमें चढ़ना भी तो कैसे चढ़ेंगे? सही बात, सबके घर में लिफ्ट भी नहीं है, लिफ्ट किसी के पास भी नहीं होते, सरकारी मकानों में होती है, हम कहाँ लिफ्ट आए, 6 मंजिल में लोग बैठेंगे तभी, फिर हमारे तो सांस फूल जाएगी। इसलिए भैया हम तो पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, पर भी हमारा सब कुछ नीचे नीचे होता है वहाँ पे, वहाँ पर किसी बात की परेशानी सब कुछ है, सब कुछ हो जाता है। बल्कि हमारे तो घर के आगे बात है, गाड़ी ले जाओ और घर से चढ़ के यहाँ आ जाओ, मतलब जहाँ पे पानी है, बिजली है, राशन पानी है, किसी चीज की सुविधा, हर चीज की सुविधा है। अगर आपको हमारा पूरा घर देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, हमारा पूरा घर है गांव का, मैंने दिखा रखा है इस बार, घर का पूरा वो है, सब कुछ है, किसी चीज की परेशानी नहीं है। आज तो पहाड़ों में भी कोई परेशानी नहीं, लोग जा रहे हैं कहीं कहीं होगा जहाँ पहाड़ों में नहीं जा पा रहे लोग, नहीं तो लोग सब शहरों में बस गए, वहाँ भी वीडियो के माध्यम से देता था, आप जा ही सकते हो, बाकी सब ठीक ही ठीक है। अब सब वीडियो बनाने लगे हैं वहाँ भी, सब सब बच्चे जो है, बच्चे क्या औरतें बहू जाए तो वीडियो बना लेंगे, लड़की है बहू ये है, सबको एक शौक सा हो गया इसको बनाने का। हमारे उत्तराखंड में इतने वीडियो बनाने वाले हो गए कि हंस रहा है, अच्छी बात है, जो जगह हमने देखी नहीं वो दिखाई दे रही है, बद्रीनाथ हम देख रहे हैं, केदारनाथ हम देख रहे हैं, जहाँ कभी जो चीज़ हमने देखी नहीं वहाँ देख रहे हैं हम, देखो हम अच्छे अच्छे लोगों के घर देख रहे हैं, हैं हर एक के घर देख रहे हैं हम कि कहाँ कौन है, कहाँ कौन है, कहाँ कौन है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी देखो, उसका घर देखा हमने, दादा सब कुछ, दादा आजकल सब कुछ देखते हैं, ए टू जेड, खंडूरी जी का घर देखा हमने वीडियो में, कल दादा कहाँ क्या देख रहे थे, अफगानिस्तान का, हाँ अफगानिस्तान में देखा हमने, देखो हर एक जगह दिखाई दे रहे, पाकिस्तान का दादा आजकल ट्रैवल व्लॉग बहुत ज्यादा देखते हैं, इन्हें सभी को आजकल तो मनोरंजन ही मनोरंजन है, किसी चीज का वो नहीं है। खान पीन में भी देखो, ब्याह शादी में पहाड़ों में देखो, वो खाना बन रहा है कि खाया नहीं जा रहे लोग, बस शराब और मुर्गा चल रहा है, अरे बस बस दादा बस, इतना नहीं, इतना भी नहीं खोलना वीडियो में, आप ज्यादा बोलने लग गए दादा थोड़े ज्यादा खुल गए, लेकिन इतना भी नहीं खोलना, कोई नहीं, ये बात यहीं पर ही खत्म। और बस दादा और क्या बोलना चाहोगे लास्ट? बस और क्या बोलना, बाकी सब ठीक है भाई, बस अब दादा ने न्यू फोन ले लिया, अब दादा नए फोन में बिजी, मतलब अब हमें भी टेंशन नहीं होगी, हमें वीडियो कॉल करना है दादा को, तो हम दादा को इस पे वीडियो कॉल करेंगे। और दादा क्या जो अभी तो हाँ, दादा को ना वीडियो को बड़ा शौक है, मेरे फोन में आ जाने चाहिए, अभी जब मैं एडिट कर दूंगा तो आ जाएगी दादा के उसमें भी। तो इसमें मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है हमारा वाला, तो दादा ना इसमें हमारी वीडियो देखते रहते हैं ये वाले फोन में। ये फोन दादा ने अभी लिया है, ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन दादा सीख गए हैं इस फोन को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। अब दादा बैठ के छत पे फ्रूट खा रहे हैं, अब आपको दादी से मिलाते हैं, लो दादा पकड़ो आपका फोन। तो अब मिलते हैं दादी से, दादी से, ये दादी हमारी
ये दादी, अब दादी भी धूप का आनंद ले रही है छत पे बैठ के, है दादी? धूप का आनंद ले रहे हैं, हाँ, आराम से फल फ्रूट खा रहे हैं। और दादी यहाँ पे अभी धूप सेक रही है, दिल्ली में तो धूप ही मिलती है आपको चौथी मंजिल पे। घर के अंदर बैठे रहते हैं, है दादी? अब गाँव में तो वहाँ पे बाहर बैठ जाओ तो इतनी धूप मिल जाती है। दादी क्या बोलना चाहोगे आप? अब दादा ने फोन लिया है नया, कोई बात नहीं, नया फोन लिया है तो अब समय के साथ चल रहे हैं दादा आप, हैं? समय के साथ चल रहे। अच्छी बड़ी इतनी भजन भजन ठीक है। पहले दादी आपको जब दादा टीवी में देखते थे और अब फोन में देखने में क्या फर्क लगता है आपको भी? नहीं सही तो अच्छा लगता है। अब पहले सब कुछ उठना वो टीवी खोलना, अब तो लेटे लेटे फोन घुमाओ और देखो। और दादी आप लास्ट टाइम अपने पहाड़ कब गए थे? लास्ट टाइम तो बहुत हो गया। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से, मतलब फिर भी पहाड़ी में रहते हैं हम। 20 कितने साल हो गए? 20 साल नहीं, कितने हो गए? 25 40 50 साल हो गए पहाड़ गए हुए। इतना टाइम हो गया, बाप रे। तो आप देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि हमारा जो है ना गांव, हमारा मेन पहाड़ में वहाँ इतना नीचे है, एक किलोमीटर है ना, दो ढाई किलोमीटर नीचे चलना पड़ता है। उतरते टाइम आप उतर जाओगे, लेकिन जैसे दादी और का है वो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे फिर, और वहाँ पर रास्ता है नहीं कि कोई गाड़ी जा पाए, तो ना ऊपर चढ़ने में इतनी आफत आती है कि आप चले तो जाओगे लेकिन फिर आप ऊपर आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और जंगल का रास्ता है तो जंगल में भाई सारे जानवर वानवर सब होते हैं, तो आने जाने में रिस्क है, है दादी? इसी मारे ना गांव में नहीं जाते। लेकिन हमारा जो दूसरा शहर में ले रखा है हमने, वैसे तो दादी और के यहाँ पे 3 मकान तो है, लेकिन गांव में कोरदार में हमारा एक मकान है जहाँ पे वो पहाड़ में ही है एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे खुला है थोड़ा, खुले में रहते हैं। हाँ, लेकिन पहाड़ जाने की हिम्मत तो नहीं है दादी और में। दादी और क्या, अगर हम ही जाएंगे तो हमारे भी हो जाएगा कि भाई हाथ पैर दर्द हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि दादी और को तो चलो उतरा चढ़ाया नहीं जाता, हम कभी गए नहीं तो हमें वही नहीं पता कि भाई कैसे उतरना है, क्योंकि पहाड़ का गांव कैसा है। और जबकि ये दादी वही दादी है हमारी जो उसी पहाड़ में ऊपर नीचे रोज करती थी, खेती बाड़ी करते थे, हाँ दादी, रोज ऊपर नीचे जाना, सब कुछ काम करना, और पहाड़ वही उतने किलोमीटर रोज चलना, उतने ही उतरना, लेकिन तब पता नहीं चलता था, लाना घास लाना खेत करना, तब तो कोई पता ही नहीं लगता था। अब नहीं जाया जाता। अब दादी और काफी साल हो गया, मतलब कि हमारा हम किस कोई गांव में अगर होता है उसकी वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जाना नहीं होता, और यही है कि अभी दादी और इधर आ रखे दिल्ली में, तो इसके बाद अभी ये लोग आज दादी और जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं आज दादी और, फिर वहाँ से हमारे बड़े ताऊ के घर जाएंगे, फिर वहाँ से दादी और दवाई लेके गांव चले जाएंगे, और दवाई दादी और लेते हैं सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि जो मेरे दादा हैं पीछे आपको दिख रहे होंगे ये सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो वहीं से दादी और को दवाई भी मिलती है, क्योंकि दादा हमारे वहीं पर ही जॉब करते थे। दादा कौन सा हॉस्पिटल है? हिंदराव हॉस्पिटल दिल्ली में, जहाँ दादा जॉब करते थे। बहुत टाइम हो गया दादा को रिटायर हुए भी, है दादी? 20 साल हो गए दादा को। 20 साल कहाँ हो गए? 20 साल हो गए रिटायर हुए। इक्कीस साल 2001 में तो हुए थे। अच्छा, दादा को 21 साल हो चुके हैं रिटायर हुए हुए, तब दादा वहीं उसी हॉस्पिटल में जाते हैं दादा। दादा अब यहाँ बैठे हुए धूप में आराम से, और दादी भी धूप सेक रही है, पौधे को फल फ्रूट खा चुकी है दादी, छिल गए। अब दादी बस खाना खाएगी, उसके बाद अब आज दादी वहाँ जा रही है बुआ के घर। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे बाद में, और दादी बाय कर दो सबको, सबको बाय, आशीर्वाद, हैं दादा बाय करो सबको, सबको बाय बाय, आशीर्वाद सबको है, सबको बाय मेरी तरफ से, सबको बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।